ग्राम पंचायत पड़रिया की गौशाला में ठंड के कारण मर रहा गौवंश, जिम्मेदार बेफिक्र। ग्रामीणों ने लगाए सरपंच पर गंभीर आरोप। शिकायत के उपरांत जिला पंचायत की कार्यपालन अधिकारी नीतू माथुर ने किया गौशाला का निरीक्षण। ग्राम पंचायत ने गौशाला के संचालन में की लापरवाही, नीतू माथुर। सरपंच समेत सचिव और इंजीनियर को भी दिया नोटिस। जी हां, क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़रिया की गौशाला सुर्खियों में बनी हुई है। गौशाला में ना तो बिजली है और ना ही गौवंश को ठंड से बचाने के कोई इंतजाम है, जिस कारण आए दिन ठंड से गौवंश के मरने की खबर आ रही थी। लेकिन गत दो दिन पूर्व उस समय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जब एक ही दिन में चार गौ माताओं की ठंड के कारण मरने की खबर मिली। ग्रामीणों ने सरपंच पर गौवंश की हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर की जानकारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतू माथुर को प्राप्त हुई, तब उन्होंने स्वयं पड़रिया की गौशाला का निरीक्षण किया और पाया कि गौशाला के संचालन में ग्राम पंचायत ने लापरवाही की है, जिस पर सीईओ मैडम ने पंचायत से संचालन की व्यवस्था छीन कर स्व सहायता समूह को दे दी। साथ ही गौशाला के निरीक्षण में पाया कि निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव समेत इंजीनियर को नोटिस दिया है। इस विषय में कांग्रेस नेता ने कहा है कि गौ माता के कार्य में लापरवाही करने वाला कोई भी हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से अलन चौबे की एक रिपोर्ट। पूरी लाट फिटिंग है, ये पाइप में से कहाँ की डोरी खींचे, फिर कहाँ के तार जोड़े, कहाँ लाट कहीं वो कहीं डोरी मोरी जा जाए, अभी ठंड के मारे पाँव अकड़ गए, बैठ के रह गई, अब ढोल जानवर आ रहा है, फिर बेटी में खड़ी नहीं हो रही, उनकी भी लात धर रही है, गिर रही है, चल रहे हैं, उठ रहे हैं। इस विषय में ये गाय हिंदू रीति रिवाज के आपसे इसमें 3600 भगवान का वास होता है और हिंदू रिवाज के आपसे अपनी माँ का दर्जा दिया गया है। अगर इस विषय में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मैं इस विषय में ना बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय को लेकर मैं माननीय कलेक्टर महोदय पर बात भी करूँगा और शिकायत भी दर्ज कराऊँगा, अपनी आपत्ति दर्ज कराऊँगा।